सत्यम शिवम सुंदरम सचित आनंद स्वरूप सत्श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 25 मई 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। भक्त वत्सल भगवान इस संगम की पावन बेला में पुराने नवधा भक्तों के द्वार पर आ पहुंचा है। वो दान मांग रहा है। कभी आपने मांगा था, आज परमात्मा झोली फैलाकर मांग रहा है। वो मांग रहा है हमारे अहंकार का दान, दे अभिमान का दान, समस्त विकारों का दान, जिसके करने से वो हमें जन्म जन्मांतर के लिए गारंटी सहित सुख शांति पवित्रता और संपन्नता से माला माल कर देंगे। भगवान कह रहे हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा रे एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हरे, जगत का पालन हारा, मैं आज तेरा मेहमान कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, आज लौटा दे रे सर्बस अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा, तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। वो भगवान कह रहे हैं झोली फैलाए और एक हाथ दुआओं भरा हमारे सिर पे है, जिसमें वो सुंदर सुंदर शिक्षाएं देते हैं और उन्हें पालन करने की शक्ति भी देते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में जैसे अर्जुन को कहा गया है गुड़ाकेश, जिसका अर्थ है नींद को जीतने वाला, भगवान शिव भी हम बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर ज्ञान चिंतन करो,
निद्रा जीत का वैसे आध्यात्मिक अर्थ तो यही बनता है कि अज्ञान पर ज्ञान द्वारा विजय प्राप्त करने वाले भगवान शिव। हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, यदि तुम हमेशा अपार खुशी का अनुभव करना चाहते हो, सबकी ये कामना है ना, तो क्या करो, एक ही मंत्र देते हैं, एक ही यंत्र देते हैं और एक ही तंत्र देते हैं, माँ भी कम याद करो, हर पल मुझे याद करो, मेरी याद से तुम्हारे विकर्म भस्म होंगे। मीठे बाबा बच्चों को समझाते हैं कि ये संगम का एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें श्वास श्वास उस परम पिता परमात्मा को याद करना है, श्वासों की माला के भीतर उसे पिरो लेना है मोती की तरह, और रात दिन रूहानी सर्विस करनी है। आज्ञाकारी वफादार बनकर विकर्मों को विनाश करना है और इज्जत के साथ सीधा घर जाना है, सजाओं से छूटना है, इतना याद करना है, योग का बल इतना भरना है कि आत्मा और शरीर दोनों कंचन बन जाए। इसलिए एक ही उपाय है कि एक सेकंड भी छुट्टी नहीं, तुम बच्चों को छुट्टी का कोई दिन नहीं है, बहुत छुट्टियां कर ली, क्यों नहीं छुट्टी करनी है, क्योंकि तुम रूहानी मिशन पर हो, तुम्हें स्वयं को भी पवित्र बनाना है इस रूहानी मिशन के द्वारा और अन्य आत्माओं को भी पवित्र बनाना है। इतना ही नहीं, परंतु ये जो प्रकृति है, पंचीकृत प्रकृति, उसको भी पवित्र बनाना है, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। फिर बाबा ने बताया तीर्थ यात्रा का सच्चा अर्थ क्या है। आज तक बाबा कहते हैं कि तीर्थ यात्राएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक है रूहानी और दूसरी है जिस्मानी। भक्ति मार्ग में हमने बहुत जिस्मानी यात्राएं की, हमने देखा तीर्थों पर व्यक्ति अपने आप को अनेक प्रकार की यातनाएं देते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। अभी ये ज्ञान मार्ग में रूहे रूहानी तीर्थ यात्रा करती है, अमरनाथ धाम परम धाम की यात्रा करती है और राजयोग के द्वारा रूहानी यात्रा करके आत्माएं सचमुच में उस विश्वनाथ सोमनाथ ओमकारेश्वर पाप कटेश्वर शिव बाबा के पास पहुंच जाती है। फिर बाबा ने बताया, क्योंकि जिस्मानी यात्राओं में घाट पे जाके स्नान करते हैं, तो बाबा ने कहा घाट भी दो प्रकार के हैं, एक तो नदियों के घाट, दूसरा फिर तुम बच्चों के जो नए नए सेंटर्स अर्थात घाट बनते जाते हैं। हर शहर में बाबा ने कई रूहानी घाट बनाए हैं, जहां जाकर जैसे वो आत्माएं शरीरों का स्नान कराती हैं, लेकिन यहाँ पर आकर आत्माएं ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर स्वयं को पवित्र बना सकती हैं। ज्ञान स्नान करने से ही सच्ची सच्ची सदगति हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं, जब बाबा ज्ञान देते हैं तो फिर हम बच्चों का कर्तव्य क्या है वो भी समझाते हैं
बाबा कहते, तुम बच्चों का कर्तव्य है मनुष्यों को सृष्टि ड्रामा का राज समझाना। जब तक इस राज को समझा नहीं है तब तक तो वो घोर अनिद्रा अंधियारे में है ना। इसलिए तुम बच्चों को इस ज्ञान युक्त चित्रों पर समझाना चाहिए, क्योंकि हमारे ज्ञान के चित्र है ना। आप किसी भी आश्रम में जाएंगे तो आप चित्रों के माध्यम से इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझाया जाएगा, क्योंकि सिवाय चित्रों के मनुष्य समझ न सके, बुद्धि में वो ठीक से बैठेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम स्कूल में बिना नक्शे के किसी को बताओ कि फ्रांस या इंग्लैंड यहाँ है तो बिल्कुल समझेगा नहीं। तो ये बात भी बिना चित्रों के समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि ये रूहानी बातें हैं, इलाही बातें हैं, इस पार से उस पार ले जाने वाली बातें हैं। दुनिया में मनुष्य तंदुरुस्ती के लिए अनेक प्रकार के योगासन करते हैं, व्यायाम करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं, क्योंकि वो पारलौकिक है ना, बाबा कहते हैं मेरे से अपनी बुद्धि का योग लगाओ और इस ज्ञान की धारणा करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। योगासनों द्वारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, ठीक है, पद्मासन लगाने से जीवन पद्ममय बन जाए वो तो नहीं हो पाता है। अब जीवन को कमल समान बनाना है राजयोग के अभ्यास के द्वारा। मन, बुद्धि, आत्मा का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। हर प्रकार की चिंता, भय, अवसाद, तृष्णा सब समाप्त हो जाता है। वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मुझे याद करो तो मेरी निराकारी दुनिया जो परम धाम है उसमें पहुंच जाएंगे। मेरे पास आने का एकमात्र यही रास्ता है कि मुझे याद करो, आत्मा में स्थित होकर मुझे याद करो। बाबा कहते बच्ची देखो, दुनिया का एग्जाम्पल देके बाबा समझा रहे हैं। जैसे खेल का मैदान होता है तो उसमें बाबा कहते हैं कि जैसे बॉक्सिंग का खेल होता है, ऐसे ही शिव भगवान कहते हैं तुम बच्चों की बॉक्सिंग कोई मनुष्य से नहीं है परंतु माया रावण से है। माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। तो क्या करेंगे, जितना हो सके रात को जागकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा कहते जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर युद्ध के मैदान पर हार नहीं होगी। बाप सभी बच्चों को कहते हैं बच्चे रात को जागकर मोस्ट बिलवड बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। और जो सत्य ज्ञान है, जो श्रेष्ठ ज्ञान है, उसकी धारणा जीवन में हो जाएगी, नहीं तो जरा भी धारणा नहीं होगी। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, बाबा देखो खबरदार कर रहे हैं, तो मेरे को याद नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। रूहानी पढ़ाई करते समय अपने आप को चेक करना है कि मेरी बुद्धि कहीं इधर उधर नहीं जाती है, अपना इंट्रोस्पेक्शन खुद करना है जागृत होकर। अगर पढ़ाई में रुचि होगी तो बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी, इस पढ़ाई को दिल लगाकर पढ़ना है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। आज का वरदान है सर्व आत्माओं को शुभ भावना
शुभकामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी कौन है? जो बाबा कहते सिर्फ वाणी की ही सेवा नहीं करनी है, लेकिन भीतर में शुभ भावना शुभ कामना रखने की सेवा भी करनी है। क्योंकि ब्राह्मणों का तो ऑक्यूपेशन ही है ईश्वरीय सेवा। बाबा कहते कहां भी रहते सेवा कर सकते हो, कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो, अर्थात कड़े संस्कारों वाला क्यों ना हो। बाबा ने तो यहां तक कह दिया, आपको गाली भी देने वाला हो तो भी आप उन्हें अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो, क्योंकि ये वो खजाना है जो स्वयं परम पिता परमात्मा ने दिया है। अकुट खजाना है, उसे यूज करना है। आज का स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पड़िए पर धर्म ना छोड़िए, पवित्रता ही हमारा धर्म है, हमारा श्रृंगार है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, शान है हमारी, ये मान है हमारा। इस स्लोगन में बाबा ने मन वाणी और कर्म की पवित्रता का महत्व बताया है। किसी भी हाल में पवित्रता का त्याग नहीं करना है, इसके लिए चाहे प्राण भी क्यों ना देने पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ शांति शांति।